हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 31वीं राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश के 26 राज्यों की टीमें भाग ले रही है, जिसमें लगभग 550 खिलाड़ी शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा, जिलाधीश बिलासपुर पंकज राय, उपमंडल अधिकारी सुभाष गौतम मौजूद रहे। हालांकि इससे पहले बिलासपुर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2007 में हुई थी और 14 साल के बाद फिर से 2021 में इस वाटर स्पोर्ट्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भी भारी उत्साह नजर आया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं इस सम्मान। हाँ, यहाँ बिलासपुर का जो लूणू मैदान है और यहाँ जो झील है, यह हमेशा ही यहाँ खिलाड़ियों को आकर्षित करती है और इसके माध्यम से यहाँ जैसे जल के अंदर, थल के अंदर और अपने आकाश की जो खेलें हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग है, यहाँ सभी प्रकार की खेलों का जो है यहाँ होना जो है, ये स्वाभाविक रूप से यहाँ एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मानती हूँ, मैं सीआरपीएफ में आज इंस्पेक्टर ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ चंडीगढ़ टीम से आज मैनेजर बन के आई हूँ। मेरे टीम में 19 प्लेयर आ रखे हैं और एक कोच और टोटल 17 प्लेयर है। उसमें 5 महिला प्रतियोगिता हैं और जो 12 पुरुष प्रतियोगिता हैं और इसमें जो आज यहाँ पे स्प्रिंट और कैनो काइकिंग का कंपटीशन हो रहा है, इसमें उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश की ये जगह पे हो रहा है, बहुत अच्छा जगह है। साड़ी टीम है 16 जने 16 जने 12 मुंडे 4 कुड़ियां 4 कुड़ियां। हाँ जी,